सिडनी में बंधक बनाए गए लोगों में 5 लोग जान बचाकर भागे, पहले 3 भागे थे, अब 2 महिलाएं चंगुल से निकली। बंदूकधारी से बातचीत कर रही है सिडनी पुलिस, बंधकों को छुड़ाने की हो रही है कोशिश, पुलिस ने इसे बताया आतंकी घटना। पुलिस ने सीरिया के आतंकी संगठन पर जताया शक, सीरिया के आतंकी संगठन अल नुसरा और हिजबुत तर्रीर का हो सकता है कनेक्शन, अलकायदा भी इस्तेमाल करता है इस तरह के झंडे। पुलिस के मुताबिक कैफे के अंदर बंधक बनाए गए हैं 40 से 50 लोग, पुलिस ने इलाके को घेरा, बंधकों को छुड़ाने की हो रही है कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, कहा यह अवमाननीय और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना, सभी के सुरक्षित होने की कामना करता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति और साक्षी महाराज के बाद अब महंत आदित्यनाथ का बयान भी बढ़ा सकता है सरकार की मुसीबत। आदित्यनाथ ने 6 दिसंबर की घटना को हिंदुओं के लिए शौर्य, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक बताया। टीएमसी सांसदों ने लोकसभा में जमकर किया हंगामा, पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी का किया विरोध, हंगामे के बाद लोकसभा से वॉकआउट। मित्रा की गिरफ्तारी पर ममता ने की पीएम मोदी को निशाना बनाने की तैयारी, सुब्रत रॉय से पीएम मोदी का जोड़ा रहा नाता। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जलाया पीएम का पुतला, NH2 पर लगाया जाम, यात्रियों को हुई परेशानी। बिहार के गया में खौलता तेल फेंके जाने से घायल हुए आरजेडी के विधायक सुरेंद्र यादव, एक दुकानदार पर लगा आरोप। ऐसा है ना, जानलेवा हमला किया, पुलिस जो है वो तो पता लगा ही लेगा ना क्या कि उसका प्लान क्या था। केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को यूटर्न सरकार बताया, दिल्ली में रैली के दौरान कालाधन महंगाई का उठाया मुद्दा। केजरीवाल का आरोप, कालेधन की सूची में बीजेपी नेताओं के भी नाम, तभी नाम जाहिर नहीं कर रही बीजेपी। केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने 30% बिजली के दाम कम करने को कहा लेकिन 15% बढ़ा दिए, कैंसर की दवा 10। दिल्ली में एमसीडी के 2 अफसरों पर एक महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप, महिला के अनुसार दोनों ने शादी नौकरी का झांसा देकर किया रेप। भ्रष्टाचार के आरोप में 3 दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लाइन हाजिर, कल्याणपुरी थाने के हैं 3। इंदौर में रेप केस के बाद 44 दिन बाद भी पीड़ित को नहीं मिला इंसाफ, पीड़िता को फोन पर धमकाता है आरोपी, खुद को पीड़िता को खत्म कर देने की देता है धमकी। झारखंड के लातेहार में नक्सल सब जोनल कमांडर संतोष खेरवार गिरफ्तार, जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने की गिरफ्तारी। मोबाइल की दुकान में लगी आग ने 6 घर किए स्वाहा, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का ये वहां पर हादसा हुआ। सफेद चादर में लिपटा उत्तराखंड का औली, कल हुई साल की पहली बर्फबारी, 0 से नीचे पहुंचा पारा। जम्मू में भी शीतलहर का दिखा असर, जगह जगह अलाव तापते दिखे लोग। यूपी के कानपुर में सर्दी का सितम, बरसात के बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा, अलाव तापते नजर आए लोग। नासिक में बेमौसम बारिश, ओलों से फसल हुई चौपट, रुई गांव के लोगों ने दी सामूहिक आत्मदाह की धमकी, 50 किसानों ने की कर्ज माफी की गुहार। नासिक जिले में करीब 38,000 हेक्टेयर फसल हुई बर्बाद, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 6 महीने में सूखे से हुई बर्बादी का दिया था मुआवजा, विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को मिला था पैकेज, रुई गांव के लोगों ने लगाया उपेक्षा का आरोप। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, कोहरे का प्रकोप शुरू होने की भी आशंका, दिल्ली में बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 60 डिग्री की गिरावट।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी के आसार, दिल्ली पंजाब हरियाणा और यूपी में कई जगहों पर हो सकती है बारिश। हिमाचल में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, मनाली कीरतपुर नेशनल हाईवे भुंटर तक बंद। नूर शिमला मंडी चंबा कांगड़ा और कुल्लू के रास्ते भी बर्फ से बंद, रोहतांग के पास बिछी 150 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की चादर। रोहतांग के पास फंसे करीब 1400 सैलानियों को बाहर निकाला गया, मनाली लाए गए सैलानी। जर्मनी का चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी पर कब्जा, पाकिस्तान को 2-0 से हराकर जीता खिताब। सेमीफाइनल में भारत पर जीत के बाद भद्दा जश्न मनाने वाले दो पाकिस्तानी खिलाड़ी अमजद अली और मोहम्मद तौसीक पर लगा प्रतिबंध। दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने एक मैच का लगाया बैन, बैन की वजह से दोनों खिलाड़ी फाइनल में नहीं खेल सके। अभद्र व्यवहार करने वाले दोनों खिलाड़ियों पर बैन और माफीनामे से हॉकी इंडिया संतुष्ट नहीं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने और कड़ी कार्रवाई की मांग की, कहा जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी भारतीय टीम पाकिस्तान संग नहीं खेलेगी हॉकी। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 147 रनों से हराया, अमजद शहजाद ने शतक और कप्तान शाहिद अफरीदी 50 रन बनाते। जापान के चुनाव में जीता पीएम शिंजो आबे का सत्तारूढ़ गठबंधन, हासिल किया 2/3 बहुमत। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का आखिरी कैंप खाली कराया जाएगा आज, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। गाजा में हमास की विशाल परेड, ट्रकों पर रॉकेट के साथ 2000 लड़कों ने किया मार्च। सीरियाई फौज की बड़ी कामयाबी, भारी घमासान के बीच एलेप्पो के उत्तरी हिस्से को दोबारा काबू में लिया। दक्षिण अफ्रीका की मेडिकल छात्रा रोलिंग स्ट्रॉस बनी मिस वर्ल्ड, किसी साउथ अफ्रीकन को पहली बार मिला यह खिताब।